रूस और यूक्रेन में महीनों से चल रहे युद्ध के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने दुनिया में हलचल तेज कर दी है। अचानक ये खबर सामने आई कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ कुछ हो गया है। ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। बताया गया कि राष्ट्रपति पुतिन के घर अचानक डॉक्टरों की टीमों को तैनात कर दिया गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तबीयत अचानक खराब हो गई। दावा किया गया कि पुतिन असहज महसूस करने लगे। हालांकि इस घटना की रूस की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आपको बता दें कि पहले भी पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर कई दावे किए जा चुके हैं। पुतिन की फिटनेस की पूरी दुनिया में काफी चर्चा होती रही है। हाल ही में अमेरिका ने पुतिन के बीमार होने की खबरों के बीच ताना मारते हुए कहा कि पुतिन कुछ ज्यादा ही स्वस्थ लग रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स ने यह दावा किया है कि राष्ट्रपति पुतिन की सेहत के बारे में कई अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इसके पीछे कुछ बड़ा मकसद हो सकता है। विलियम बर्न्स ने कहा कि वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन को कई सालों से देख रहे हैं। वो बोले कि पुतिन सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध और पुतिन की सेहत पर उलझे रूस और अमेरिका के बीच अब एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है। अब रूस और अमेरिका की लड़ाई अंतरिक्ष तक पहुंच गई है। रूस ने अमेरिका के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 24 वर्षों से चली आ रही पार्टनरशिप को तोड़ने का ऐलान कर दिया है। रूस ने अमेरिका से कहा कि अब हम अंतरिक्ष में एक साथ नहीं रह सकते। रूस ने कहा कि वो अपना खुद का एक अलग स्पेस स्टेशन तैयार करेगा जिसकी शुरुआत 2 साल बाद 2024 से होगी।